उच्च प्राथमिक विद्यालय नैन पेट में दर्द हुआ, खाना वो हमने छोले समझ के वो मटर खा लिए थे, टाइट टाइट थे इसीलिए पेट में दर्द होने लगा। बाद में कैसी है तुम्हें? अच्छी है, सब्जी और रोटी। पहली बार ऐसा हुआ या पहले भी कभी? पहली बार, 10-15 बच्चों के हो गया ऐसा। सुरेश चंद्र की नैनपुरिया, ये कहिए स्कूल में बच्चे बच्चे खाना खा दो, 84-85 बच्चे हैं स्कूल में, सभी ने खाना खाया, 10-15 बच्चों की तबीयत ज़्यादा हो गई, पेट में दर्द था, पेट दर्द था बस, और कोई दर्द नहीं। ये रोटी आलू के मटर की सब्जी है, आलू मटर की सब्जी, ये अक्षय पात्र से। नहीं, ये पहली बार हुआ है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नैनपुरिया, नमाना टीचर लेके आए सर, लेके आए ना तुरंत, सभी पेरेंट्स के फोन कर दिया टीचर ने कि वहाँ लेके जा रहे हैं, सभी आ गए फिर यहाँ। जय हिंद सर, मैं अभी राजसमंद के नैनपुरिया स्कूल में हूँ, जहाँ पर लगभग जो नाडवारा से खाना खाया जिन्होंने 15 बच्चे बीमार हो गए हैं। गोपाल गिर नैनपुरिया सर स्कूल, वो तो नॉर्मल, बाकी सभी बच्चों ने खाना खाया वहाँ पे, जो 10-11 बच्चों के पेट में दर्द होने लगा तो अभी सब पेरेंट को बोला, तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाया इन सबको। 84 बच्चों ने, टोटल 84 बच्चे हैं, उनमें से 10 ने खाना खाया, 10 के इनके प्रॉब्लम हुई क्या, दूसरों के नहीं हुई, बाकी सब ठीक है। नैनपुरिया नमाना पंचायत, वहाँ पे मानपरा के नैनपुरिया के माल के यहाँ के नैनपुरिया के, हाँ अपने गांव के। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नैनपुरिया नमाना में अक्षय पात्र फाउंडेशन संस्था द्वारा रोटी आलू की सब्जी व अन्य पोषाहार पहुंचाया, जिसे सभी 85 छात्र छात्राओं ने खाया, जिनमें से 14 विद्यार्थियों को पेट दर्द की शिकायत के बाद अचानक बीमार हो गए। सभी छात्रों को स्कूल प्रशासन द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। फिलहाल सभी छात्रों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, मगर एहतियात के तौर पर आवश्यक दवा देने के साथ ही कुछ देर आराम के लिए छात्रों को भर्ती किया गया है। इधर इस घटना के बाद पूरे नैनपुरिया व नमाना गांव में हड़कंप मच गया। इस मामले को लेकर जैसे ही घटना की सूचना मिली तो बड़ी तादाद में